देखिए, स्वच्छता तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसको लेके प्रधानमंत्री बहुत संजीदा हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन नीचे के लेवल पर उतना असर नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत हुआ है, उसको मुश्किल से कहेंगे कि 20% इम्पैक्ट आया है, लेकिन जगह जगह लोगों में अभी कूड़ा फेंकने की प्रवृत्ति बिल्कुल कम हुई है, नहीं बदल पाई है। और लोग जो है जगह जगह, जैसे अभी हॉस्पिटल परिसर में हम खड़े हैं, यहाँ पर भी गंदगी का अंबार लगा है। सुनने में आया है कि यहाँ शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, बड़ा ढेर लगा हुआ है। वो सब इस तरह से पूरा जो, अगर ये इस तरह से गंदगी अस्पताल परिसर में भी है और जगह जगह थूका हुआ है, लोग थूक रहे हैं, गुटखा खा के थूक रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं रोक पा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है और ये गलत है। इसमें प्रशासन को, जो अस्पताल प्रशासन है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और अस्पताल परिसर में कम से कम साफ सफाई, स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अस्पताल को, जैसा कि जो है स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर को भगवान भी कहा जाता है, लेकिन जब अस्पताल में शराब की बोतलें जहरीला के रूप में मिलेगी तो आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत है और अगर ऐसा हो रहा है तो इस पर तो बहुत ये दुखद बात है और वाकई यहाँ का जो अस्पताल के प्रशासन है उसको तुरंत इसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार आरोप लगते रहे कि कुछ स्वास्थ्य कर्मी बिना शराब के नशे में काम नहीं करते हैं, बिना अस्पताल में शराब के नशे में काम करते हैं, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस पर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये बेहद दुखद बात है कि अब तक ऐसे लोगों पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये चिंता का विषय है और इस पे अगर प्रशासन नहीं कर रहा है, अस्पताल प्रशासन, तो इसमें जिलाधिकारी और हमारे उनको उच्चाधिकारियों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करें। जैसा कि आप समाज सेवी है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता तो आप क्या करेंगे? अगर नहीं होता है तो हम इसको उच्चाधिकारियों तक बात पहुँचाएंगे। सर, स्वच्छता अभियान को लेकर क्या तैयारी की जा रही है अस्पताल में? स्वच्छता अभियान में जिला चिकित्सालय महोबा में वैसे तो प्रतिदिन यहाँ पूरी कोशिशें की जाती है कि पूरा अस्पताल और परिसर स्वच्छ रहे, लेकिन इस स्वच्छता अभियान जो पखवाड़ा है इसमें और विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुछ और कर्मचारियों, सफाई कर्मियों को लगाया गया है और उसके सुपरविज़न के लिए कुछ लोगों को दायित्व सौंपा गया है कि वो अपना खड़े होकर के उसको साफ सफाई कराएं और जहां भी गंदगी हो उसको हटाएं। और नगर पालिका से संपर्क किया गया है, जो हॉस्पिटल्स के उसे जनरल कचरा जो निकलता है, बायोमेडिकल से अलग जो निकलता है, उसको प्रतिदिन उसको हटाएं और गाड़ियां भेजें जिससे वो इकट्ठा एक जगह ना हो। और बायोमेडिकल वेस्ट की गाड़ी हमारे यहाँ प्रतिदिन या 48 घंटे के अंदर ज़रूर एक बार आती है और हमारा जो बायोमेडिकल हजार्ड है वो जहाँ रखा रहता है जिस कमरे में, उसको ले जाते हैं। और इस तरह से और अन्य जो हमारे यहाँ अटेंडेंट्स आते हैं मरीजों के, या मरीजों को वार्ड में जा कर के और अटेंडेंट्स जो उनके आते हैं परिजन, उनको उसके बारे में समझाया जाता है। कई बार हम ही उनको टोकते हैं कि भाई यहाँ वहाँ न थूको या पान गुटखा खा करके कहीं अस्पताल परिसर में न थूको। कई लोगों को सजेशन दिया है और समझाया जाता है हमारे अन्य कर्मचारियों द्वारा भी, जिससे जो है स्वच्छता बनी रहे, बीमारियाँ कम हो। सर, जैसा कि जिला अस्पताल परिसर में ही नशे का सेवन आजकल बड़े पैमाने में किया जा रहा है, कई जगह शराब की बोतलें भी देखी जा रही हैं, इस पर क्या? देखिए, जिला चिकित्सालय जो परिसर है, कुछ जगह भी कुछ निर्माणाधीन जो हमारे यहाँ जो उच्चीकरण का कार्य हो रहा है, उसमें उच्चीकरण में अभी कुछ गेट खुले हुए हैं जो कि निर्माण हो रहा है, उनका पूरा नहीं हुआ है, कुछ गेट खुले हैं। तो कई बार जो है अराजक तब तो रात में, खासकर रात में कभी किसी पीछे के गेट से आ जाते हैं और कई बार ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिसका हमारे यहाँ जो होम गार्ड ड्यूटी पे लगे हैं 2 होम गार्ड रहते हैं, उनको ये निर्देश दिया गया है कि आप घूम करके उसको देखें रात में भी।